चलिए जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है। दो क्वेश्चंस हम लोगों को देखना है, काफ़ी फुल लेंथ क्वेश्चंस है ये दोनों। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 15.18 नई वाली बुक का, केस स्टडी 5, और दूसरा क्वेश्चन है 6.36 इंड एस 101 का, इलस्ट्रेशन नंबर 17। तो आज का हमारे टारगेट ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले हम शुरू करेंगे 15.18 से। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, हम लोगों ने अभी तक के जितने भी आरटीपी एमटीपी सीरीज़ लिए हैं उसके पूरी की पूरे जितने भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। हमारी अब तक की पूरी प्लेलिस्ट नवंबर 2021 की हमने जितने भी वीडियोज़ लिए हैं करीब करीब 55 आवर्स जा रहे हैं, तो 55 आवर्स के पूरे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पूरी की पूरी। इंडेस 1 से लेकर एंड तक हम लोगों ने पूरा का पूरा कंपाइल किया है। किसी को 120 आवर्स की पूरी बैच परचेज करना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 2000 रुपीज़ फीस है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग केवल्य जी, नहीं कल क्लास नहीं हुई थी। अरुणा जी, हरिणी जी, अशोक प्रजापति जी, आशुतोष जी, शुभम जी, सागर जी, नम्रता जी, चलिए चलिए शुरू करते हैं फिर अपन। सो दिस इज पेज नंबर 15.18, ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोलता है। दीपक लिमिटेड, दीपक स्टार्टेड इंडिविजुअल है, स्टार्टेड अ न्यू कंपनी सॉफ्ट भारती लिमिटेड विद इकतारा लिमिटेड, मतलब दो लोग हैं, दीपक है और इकतारा लिमिटेड है। इन दोनों ने मिलकर सॉफ्ट भारती करके कंपनी स्टार्ट की है। वेर इन 55% इन्वेस्टमेंट इज ऑफ इकतारा लिमिटेड एंड रेस्ट इज बाय दीपक। तो अपने को ये समझ में आ रहा है इनके पास 55% स्टेक है और यहाँ पे 45% स्टेक है, ठीक है। धन्यवाद दिव्या जी। वोटिंग पावर्स आर टू बी गिवन एज पर द प्रपोर्शनेट शेयर कैपिटल। लो, जो इनके प्रपोर्शनेट शेयर कैपिटल है उसके बेसिस पे। वॉइस लो आ रही है सभी लोगों को? वॉइस लो आ रही है क्या एक बार बता दीजिएगा, वॉइस लो आ रही है क्या? क्योंकि सेटिंग को चेंज नहीं किया, अपना सिस्टम तो वही वाला है। न्यू कंपनी फॉर्मड वॉज अ सब्सिडियरी ऑफ इकतारा लिमिटेड विद टू डायरेक्टर्स एंड दीपक इवेंचुअली बिकम्स वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो दो डायरेक्टर्स के साथ स्टार्ट हुई, एक तो यही है दीपक ही है। कंसल्टेंट इज हायर्ड, उसने 30,000 चार्जेस ले लिए। 30,000 इज चार्ज एज एक्सपेंस इन द बुक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन के बाद आपने इसे एक्सपेंस ऑफ कर दिया। मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रिलिमिनरी चार्जेस है, ये प्रिलिमिनरी चार्जेस है, ठीक है। चलो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी चार्जेस है, इन लोगों ने ये आपको यहाँ पे लिख के दिया है। इनकम टैक्स के हिसाब से इसका डिडक्शन का रेट अलग रहेगा। हमने पूरा एक्सपेंस ऑफ कर दिया इमीडिएटली, पर इनकम टैक्स के हिसाब से इसका डिडक्शन ओवर द पीरियड रहेगा। आई थिंक 5 ईयर्स दिया रहेगा क्वेश्चन में। इसके कारण डिफर्ड टैक्स इंपैक्ट आएगा, डिफर्ड टैक्स इंपैक्ट। आपने एक्सपेंस ऑफ कर दिया पर इनकम टैक्स के हिसाब से डिडक्शन ओवर द पीरियड मिलेगा। क्या आएगा? डीटीए डीटीएल, बताइए डीटीए डीटीएल। अरे कौन बोलता है ऐसे क्वेश्चन नहीं आते? पेपर आप सेट करते हो क्या? आईसीए मजाक करने के लिए दे रहा है क्या क्वेश्चंस? ऐसा मत कि बोला करो यार। तो मास्टर जी का कहना है डीटीए, बोलो। डेरिवेटिव जी का कहना है डीटीए, डीटीए, शाबाश, यस, इसके ऊपर डीटीए आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पूरा का पूरा पीएल दिया हुआ है, फिर उसके बाद में बैलेंस शीट भी दी हुई है। अब देखिए उसके बाद क्या बोला हुआ है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 6,000 इज क्रिएटेड ड्यू टू फॉलोइंग डिफरेंस। उन्होंने बोला कि हमने 6,000 का डीटीएल ऑलरेडी बनाया है, और क्यों बनाया है वो उसके पॉइंट्स दे रहे हैं। लेट्स एनालाइज, सही में 6,000 बनता है या उसके अलावा कुछ और बनना चाहिए, और डीटीएल लिखा है, ठीक है। आइए देखते हैं डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन अमाउंट एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स। चलिए समझते हैं इसको, ये क्या है। देर इज वन प्रॉपर्टी हुज क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च इज एज अंडर। तो 1 लाख रुपये हमको बुक्स में दिख रहा है, इनकम टैक्स के हिसाब से 80,000 होना चाहिए। टैक्स का रेट 30% है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे टेम्परेरी डिफरेंस 20,000 है। इसके ऊपर अगर हम 30% का रेट लें तो 6,000 रुपये वही डीटीएल होना चाहिए। बराबर लग रहा है, जम रहा है काम, बताइए ठीक लग रहा है ये 20,000 पे 30% डीटीएल होना चाहिए।
प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा एक और एक चीज़, कल से हम MTP शुरू कर देंगे, हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कल के कल ही MTP खत्म कर दें। आप सब लोगों को अगर 5 बजे का टाइम चलता होगा तो 5 बजे शुरू कर देंगे कल, 5 से 7 पूरा एक ही दिन में MTP को खत्म करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, एक बार बता दीजिएगा 5 का टाइम सबको कंफर्टेबल है क्या, नहीं तो फिर 6 बजे, जैसा 6 बजे रखेंगे तो 2 दिन चलेगा, 5 बजे का टाइम चलेगा तो अपन एक ही दिन में पूरा कोशिश करेंगे ही खत्म कर देंगे उसको। चलो, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हाउएवर द सेम हैज बीन इमीडिएटली एक्सपेंस्ड ऑफ इन द बुक्स, तो बुक्स में हमने इमीडिएट एक्सपेंस ऑफ कर दिया है, पर इनकम टैक्स के हिसाब से 5 साल में जाएगा वो, तो कितना अमाउंट था यार उसका, 5 PM ओके है ना। ठीक है, तो कल का क्लास 5 बजे रखेंगे, कल 5 बजे रहेगा, MTP सेशन रहेगा। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट MTP आया है वो रख लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे थे, ये 30,000 के ऊपर 30% DT है, 9,000 रुपये। अब ये अकाउंटेड नहीं है, ये अपन अकाउंट करेंगे अभी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से आप लोगों ने मेरे को बताया था DT आना चाहिए, तो 9,000 रुपये का DT आ जाएगा पूरे 30,000 के ऊपर 30%। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अभी नई नई कंपनी बनी है तो इंडियस पहली बार इनकॉर्पोरेट हो रहा है, वो वाली कहानी नहीं है ये। टैक्स रेट 30%, PBT 3,55,000 विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट्स के बिना हमारा प्रॉफिट 3,55,000 है। द करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, धन्यवाद रशिद जी, 30% आफ्टर टैक्स डूइंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स डिसअलाउंसेस वगैरह, प्रॉफिट है 1,25,000। द करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर डूइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स एंड अलाउंसेस डिसअलाउंसेस रिलेटेड टू इनकम टैक्सेस 1,25,700। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये परमानेंट डिफरेंस के कारण है या टेम्प्रेरी डिफरेंस के कारण है, हम लोग एग्जैक्टली श्योर नहीं है। ठीक है, हाँ हमको एक वो तो पता ही है ऊपर, एक प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का 1/5 वो वाला पॉइंट तो हम लोगों को पता है, एक पॉइंट है डिप्रिसिएशन का। ये 2 पॉइंट्स के लिए तो अपन क्लियर है कि हाँ भाई डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स के अंदर में अलग रहा है और ये प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के अंदर में वैल्यू अलग रही है। ठीक है, अब अपने सामने तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर में PPE 1,00,000 रुपए दिख रहा है और ये पहली बैलेंस शीट है, बराबर पहली बैलेंस शीट है। यहां पे आपको डिप्रिसिएशन दिख रहा है 30,000, इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन शायद 50,000 रहा होगा, है ना, पहली बैलेंस शीट है ना ये, तो इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन 20,000 ज्यादा था, तो डिप्रिसिएशन 50,000 रहा। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे हुआ, ये सब लोगों को समझा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट बोला है 3,55,000 और एक 1,25,700 का डिफरेंस दिख रहा है, DTA 7,200 दिखना चाहिए। अच्छा आप जो DTA बोल रहे हैं सागर जी, वो तो 1/5 माइनस करने के बाद की बात कर रहे हैं ना, अभी तो मैंने सिर्फ पहले दिन का निकाल दिया। आप जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, 9,000 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करेंगे तो 1,800 रुपये फर्स्ट ईयर में कम हो जाएंगे, तो आप सही बोल रहे हैं, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। 7,200 केवल जी का भी कहना है 7,200। अभी तो देखो ना यार, अभी देखो इन्होंने क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से की, कि आपने एक नई कंपनी बनाई है 1 अप्रैल 2001 को 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है। मैंने डिफर्ड टैक्स से 1 अप्रैल 2001 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के दे दिया आपको, 31 मार्च का भी एडजस्टमेंट नहीं किया है मैंने, कर लेंगे हम वो भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, आप बोलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर 7,200 लिख देते हैं, चलो। ठीक है, 1/5 अपोर्शनमेंट, मैं बेसिकली आपको यही कहानी अभी आगे समझा रहा हूँ, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि 3,55,000 का प्रॉफिट है, उसमें अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल गया एक तो 20,000 का। ठीक है, प्रेलिमिनरी एक्सपेंस का अमोर्टाइजेशन 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 6,000 रुपये उसका हो गया, तो ये दो तो अपने को पता है, कहाँ गया यार, हाँ इसको थोड़ा यहाँ लेके आ जाते हैं। अब बाकी का डिफरेंस परमानेंट है या टेम्परेरी वी आर नॉट श्योर, बट टैक्सेबल है 1,25,700, मतलब वॉट एवर टैक्स डेट यू आर गोइंग टू पे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वो आप 1,25,700 के ऊपर पे करेंगे, है ना। चलिए कुछ और बातें आगे पढ़ते हैं, अगर हमको कुछ समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ देंगे उस डिफरेंस को। यहाँ तक के क्लियर है। अच्छा शुभम जी का कहना है सर डिप्रिसिएशन का पॉइंट नहीं समझा। अब शुभम जी ये पहली बैलेंस शीट है, बराबर एसेट दिख रहा है 1,00,000 रुपये का नेट, यहाँ पे 80,000, तो इसका मतलब इनकम टैक्स में इस साल 20,000 का एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन हुआ, 20,000 का एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन हुआ। यहाँ डिप्रिसिएशन 30,000 दिख रहा है, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से 20,000 का एडिशनल डिप्रिसिएशन ले लेंगे, और क्या, बस इतना ही तो है। ठीक है समझ गए,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कोई आइटम है क्या जिसको देखना है? नहीं, मेरे को लगता तो नहीं इसमें कोई ऐसा आइटम है जिसको देखने की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 15,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। हमने इस साल डिविडेंड डिक्लेयर किया, विच हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस में से डिडक्ट कर दिया जा चुका है। डिविडेंड पेएबल 15,000 हैज बीन ग्रुप्ड अंडर अंडर अदर करंट लाइबिलिटीज। ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है पहले ये बताओ, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? और अगर आप बोलते हो इनकरेक्ट है तो मेरे को एडजस्टमेंट भी बताओ कि करेक्शन क्या होगा। ठीक है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? और अगर आप बोलते हो नहीं सर ये इनकरेक्ट है तो करेक्शन भी बताओ, क्या करेक्शन करना है? चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए। तो इन्होंने डिविडेंड रिकमेंड किया था 15,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ठीक है, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट रिकमेंड किया गया, ये डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस और अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाया गया है। इनकरेक्ट है आपका कहना है? चलो ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज में 15,000 माइनस कर देंगे बराबर, और आपके जो रिजर्व्स है उसमें 15,000 ऐड कर देंगे बराबर। अच्छा एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे बैलेंस शीट उल्टी बनाई हुई है, एग्जाम में ध्यान रखना, एसेट्स ऊपर आएंगे लाइबिलिटी नीचे आएगी, इसके भी मार्क्स है, इसके प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो चलो वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। चलिए अब वो आगे बोल रहा है, देर आर गवर्नमेंट स्टैचुटरी ड्यूज अमाउंटिंग टू 15,000 विच आर ग्रुप्ड इन अदर करंट लाइबिलिटीज। तो कुछ गवर्नमेंट स्टैचुटरी ड्यूज है 15,000 रुपए के, हमने अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाए हैं, अभी भी हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज में ही तो थे, तो इसी के अंदर में 15,000 रुपए के और गवर्नमेंट स्टैचुटरी ड्यूज दिखाए हैं, ये सही है यहाँ पे दिखाना कि नहीं ये कहीं और दिखना चाहिए था? मतलब ये अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है या अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर में ही दिखना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को, गवर्नमेंट स्टैचुटरी ड्यूज 15,000 इसका क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए? राधे राधे नरेंद्र जी, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट। चलिए बढ़िया, यहाँ तक के तो सभी लोग एकदम सही चले हैं अभी तक। अब मुझे बस गवर्नमेंट स्टैचुटरी ड्यू बता दो क्या होता है। बेसिकली प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है। तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज में भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आएगी और अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी अदर लाइबिलिटीज आएगी, तो ट्रेड पेएबल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में जाएगा बराबर है। अब ये जो अदर करंट लाइबिलिटीज है ये अदर देन फाइनेंशियल है, यानी एक बार आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होगी उसके बाद जो दिखाते हैं वो अदर करंट लाइबिलिटीज में जाता है। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए आपको पूछ रहा है कि ये 15,000 रुपये वहाँ लिखा नहीं है, पर ये आपको समझना है कि जो 15,000 रुपये ये हम अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर डालें अदर करंट लाइबिलिटीज में ही रहने दें, क्या लग रहा है ये बताइए मुझे। तो अदर करंट लाइबिलिटीज में डालेंगे मतलब सही है दिव्या जी आपका ये कहना है, शुभम जी का भी कहना है कि सर ये करेक्ट ट्रीटमेंट है चलेगा, सागर जी का कहना है सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी में डालना है, नॉन फाइनेंशियल अदर करंट के अंदर में जाएगा, अशोक जी का कहना है गवर्नमेंट ड्यूज वेरी गुड। देखिए गवर्नमेंट ड्यूज को हम कभी भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं बोलते हैं, वो स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज होती है, तो उनको अदर करंट लाइबिलिटीज के हेड के अंदर में ही रहने दीजिए। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन सही किया है, हमको उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, उन्होंने सही किया है, अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाया है। आप जब प्रेजेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटीज के अंदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेएबल दिखाएंगे, इसके अलावा कोई और फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी तो आप वो भी दिखा देंगे। जैसे अभी तक के हम लोगों ने 45 में से सिर्फ एक 15,000 डिविडेंड देखा और एक 15,000 गवर्नमेंट ड्यूज देखा, इसके बाद आता है अदर करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद आता है प्रोविजंस। तो इस तरह से प्रेजेंटेशंस होते हैं। ठीक है, तो सही प्रेजेंटेशन हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है फोर्थ पॉइंट में तो बता देना मुझे, ये प्रेजेंटेशन सही है, कोई दिक्कत है तो बोल देना। कैपिटल एडवांस 50,000 रुपीज़ MTP नवंबर 21 कराओगे? हाँ कल से दिव्या जी, कल 5 बजे। अदर नॉन करंट एसेट्स, तो हमने कैपिटल एडवांस दिया है, कैपिटल एडवांस अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया है 50,000 रुपये का, कहाँ है यार ये 50,000 रुपये की बात कर रहे हैं, ये भी सही है, या इसको फाइनेंशियल एसेट नाम से दिखाना चाहिए, अदर नॉन करंट एसेट में दिखाएंगे या फाइनेंशियल एसेट्स के नाम से दिखाएंगे, बताइए क्या लग रहा है, बताइए। आपने अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखा दिया, तो अदर नॉन करंट एसेट्स या नहीं फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में आना चाहिए, तो सेपरेट हेड आइटम मतलब अरुणा जी अदर करंट एसेट्स के अंदर नहीं चलेगा? हाँ अदर करंट एसेट्स के अंदर में ही अगर प्रेजेंटेड है, अदर नॉन करंट एसेट सॉरी नॉन करंट एसेट्स में प्रेजेंटेड है तो नहीं चलेगा क्या, ये ट्रीटमेंट में गड़बड़ है क्या?
तो दिव्या जी का कहना है करेक्ट, अशोक जी का कहना है करेक्ट, विनय जी का कहना है गलत है। तो बताइए विनय, विनय जी सही क्या होना चाहिए? अदर फाइनेंशियल एसेट्स में डालेंगे क्या? विनय जी का कहना है फाइनेंशियल एसेट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बोलो यार। अब देखिए ध्यान दीजिए विनय जी, जब आप किसी एसेट के लिए कैपिटल एडवांस देते हैं तो बदले में आपको एसेट मिलता है, पैसा नहीं मिलेगा। जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ फाइनेंशियल एसेट है ना, यहाँ पैसा थोड़ी मिलेगा। मैंने एडवांस दे के रखा है कैपिटल एसेट के लिए, तो कैपिटल एसेट मिलेगा, तो ये कहाँ फाइनेंशियल एसेट हुआ? सही प्रेजेंटेशन है, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है रिचा जी, ध्यान में रखेंगे, ये सही प्रेजेंटेशन है, गलत प्रेजेंटेशन नहीं है। शुभम जी आपने भी यही बोला मेरे को, फाइनेंशियल एसेट है। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? अरे रचित जी यार, अरे यार रचित जी, आप फाइनेंशियल एसेट बोलोगे, ये नहीं सोचा था यार मैंने। चलो क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? पूछ लो। अदर करंट एसेट्स 51,000 कंप्राइज इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल से 51,000 रुपीज का इंटरेस्ट लेना है। अदर करंट एसेट्स के अंदर ये जो 51,000 दिख रहे हैं, ये है इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ये अदर करंट एसेट्स में रहने दें या फाइनेंशियल एसेट है? सर कैपिटल WIP में आएगा क्या? हाँ अब एक सवाल ये है कि क्या ये कैपिटल WIP में आना चाहिए? आपने फिक्स एसेट पूछा था क्या? नहीं, आपने तो फाइनेंशियली बोला था ना शुभम जी। नहीं, कैपिटल WIP अलग कंसेप्ट होता है। कैपिटल WIP यानी जहाँ हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब आप कैपिटल एडवांस देते हैं, कैपिटल एसेट के लिए एडवांस देते हैं, वो इमीडिएट WIP में नहीं आ जाता। WIP मतलब एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखिए, उसका वो फंडा होता है। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता जो आप बोल रहे हैं। अरे यार इसको क्या हो गया? ठीक है चलो, अदर फाइनेंशियल एसेट्स। दिव्या जी का कहना है कि करेक्ट प्रेजेंटेशन है। नहीं ना दिव्या जी, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल है। इंटरेस्ट कैसा है? अमाउंट मिलने वाला है ना सर। गवर्नमेंट ड्यूज सेपरेट आइटम करके शो करना है। शेड्यूल्स में अलग आइटम आता है ना अमृता जी, बैलेंस शीट के अंदर में अलग आइटम थोड़ी आता है। बैलेंस शीट में तो वो अदर करंट एसेट्स में ही जाएगा, अदर नॉन करंट, अदर करंट लाइबिलिटीज। करंट में कि नॉन करंट में? वो मैं तो भूल भी गया, वो कहाँ था? अदर करंट लाइबिलिटीज में था। शेड्यूल में तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ड्यूज अलग से दिखता है, बैलेंस शीट के अंदर में फेस पे थोड़ी आता है गवर्नमेंट ड्यूज एंड अदर्स, तो यहीं पे रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब लोगों ने ये सही बोला कि ये जो है इंटरेस्ट, ये अदर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में आना चाहिए। दिस इज बेसिकली अ फाइनेंशियल एसेट, रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, पैसे मिलने वाले हैं, करेक्ट विनय जी, ये फाइनेंशियल एसेट के नाम के अंदर में दिखेगा आप लोगों का। करेक्ट करेक्ट, सही चल रहा है एकदम। चलो बढ़िया, तो चलो अपन ना जो मेन बैलेंस शीट है उसमें अभी तक के अपन ने जो मुद्दे देखे उनकी मार्किंग देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। ये आपका मेन आंसर है। ठीक है, अदर फाइनेंशियल एसेट्स हमने अभी 51,000 को मार्क किया है, तो हमने जो पढ़ा वो करेक्ट है। ठीक है, कैपिटल एडवांस अदर नॉन करंट एसेट्स में चलेगा, तो ये भी प्रेजेंटेशन करेक्ट है। लाइबिलिटी साइड पे आते हैं अपन, गवर्नमेंट ड्यूज अदर करंट लाइबिलिटीज, तो अपना इसका भी प्रेजेंटेशन करेक्ट है, और डिविडेंड यहां से हट चुका है। ठीक है एक मिनट रुकिए। चलिए तो अभी तक तो इतने ही पॉइंट्स पढ़े थे, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 9, करंट इन्वेस्टमेंट्स 30,000 इज इन शेयर्स ऑफ द कंपनी विच वॉज डन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पर्पज के लिए आपने खरीदा था, तो ट्रेडिंग पर्पज के लिए अगर खरीदा था तो आप इसके क्या अकाउंट करेंगे? FVTPL, FVOCI या ACM, ये बताइए। चलिए आंसर कीजिए। करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये कॉस्ट पे दिख रहा है, सामने वाले ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कॉस्ट पे दिखाया है। हावेवर हमको ये दिख रहा है कि इसका जो फेयर वैल्यू है वो 50,000 रुपये, इसका फेयर वैल्यू 50,000 रुपये। हाँ बहुत बढ़िया अरुणा जी, वेरी गुड। ये FVTPL दिखना चाहिए, FVTPL दिखना चाहिए, वेरी गुड। तो जो डिफरेंस है 20,000 रुपये, ये पीएल में जाएगा, पीएल में जाएगा। अभी अकाउंटेड ही नहीं है, उसने अकाउंट ही नहीं किया, तो अपन तो अब कराएंगे ना अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो यहां प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे, अदर इनकम में आ जाएगा। अदर इनकम आपकी 20,000 रुपये से बढ़ जाएगी, ये समझा सबको? किसी को इसमें कहीं भी प्रेजेंटेशन में दिक्कत होगी तो बताना मेरे को। ये यहाँ 20,000 रुपये में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपके जो इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये दिख रहे हैं, यहाँ इसको 20,000 रुपये से बढ़ा देंगे, बराबर। तो देखो अभी तक अपनी बैलेंस शीट टैली चल रही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तक हमने बैलेंस शीट में एक ही एडजस्टमेंट किया था, +15,000 -15,000,
ये दूसरा एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो बैलेंस शीट टैली चल रही है, इन्वेस्टमेंट 20,000 से बढ़ा दिए, प्रॉफिट 20,000 से बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ अब ये DTL 6,000 रुपये केवल ये जी कहाँ से, हाँ चलो चलो चलो, इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स भी आएगा, बोलो। तो केवल जी ने तो बात छेड़ी दी है, डेफर्ड टैक्स आएगा 6,000 रुपये का, दिव्या जी ने भी ये बात छेड़ दी है, तो सीधी बात है। अब देखो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स दिख रहा है 6,000, ये PL में डेबिट हुआ है, DTL क्रेडिट हुआ होगा, है ना, PL में डेबिट हुआ है ना, पॉजिटिव फिगर दिख रहा है, नेगेटिव फिगर नहीं दिख रहा है, बढ़ रहा है टैक्स, तो सीधी बात है हम लोग यहाँ पे टैक्स को और 6,000 रुपये से बढ़ा देंगे डेफर्ड टैक्स को, है ना। अभी अपना वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वाला पॉइंट बचा है, बाद में देखते हैं उसको, उसका एडजस्टमेंट भी यहाँ पे डेफर्ड टैक्स के अंदर हमको दिखाना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने अदर एक्सपेंसेस में दिखा दिए होंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था कि आपने अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो अभी उसका भी इम्पैक्ट लेना है। चलिए यार उसका भी लेके खत्म करो। आप लोगों ने मेरे को DTA बताया था, आप लोगों ने मेरे को DTA बताया था, DTA 7,200 का बताया था, ये सबको क्लियर है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यहाँ 30,000 रुपये का दिखाया गया है, जबकि सरकार आपको अलाउ कर रही है सिर्फ 6,000, इनकम टैक्स में सिर्फ 6,000 अलाउ हो रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 24,000 रुपये डिसअलाउ हो रहा है, तो 24,000 रुपये फ्यूचर में अलाउ होगा, उस पर 7,200, आप लोगों ने मेरे को 7,200 बताया था, तो 7,200 का DTA आना चाहिए, मुद्दा समझ में आ रहा है, DTA आना चाहिए 7,200, इज 7,200 क्लियर टू एवरीवन, एक बार बोलो यार कंफर्म है क्या। चलो हाँ दिव्या जी, PL में 14,000 रुपीज, मतलब अपने को तो ओवरऑल प्रेजेंट करना है ना दिव्या जी, आपको तो पूरा PL वापस बनाना है, आप अदर इनकम में 20,000 रुपये ऐड करोगे, ये ध्यान रखना, ऐसे यहाँ पे 14,000 ऐड नहीं कर सकते, प्रॉफिट को थोड़ी 14, मतलब आप प्रॉफिट अब इम्पैक्ट बता रहे हैं, मैं ओवरऑल इम्पैक्ट बता रहा हूँ, बैलेंस शीट में क्या होगा, कई स्टूडेंट्स के पेपर्स में देखता हूँ ना, उसमें यही गलतियाँ होती हैं, आप प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते हुए दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन पूरा रखना है, वहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 6,000 रुपीज़ इंक्रीज होगा। चलो 7,200 क्लियर है, तो आई शुड ऐड 7,200 ओवर ईयर, यहाँ 7,200 ऐड कर देता हूँ, सही लग रहा है। शुभम जी का कहना है सर ये तो रिवर्सल है DTL का, रिवर्सल है सर, हाँ ना, बढ़िया। आइए बैलेंस शीट पे आते हैं, यहाँ आपने 6,000 ऐड किया, अब मैं 7,200 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, वेरी गुड, ऊपर भी 7,200 माइनस होगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया अशोक जी, बढ़िया, वेरी गुड आशुतोष जी, यस लेस होगा, लेस होगा, ठीक है। चलो अभी तक तो सही जा रहे हैं, कोई और पॉइंट भी छूटा है क्या अपना। डेफर्ड टैक्स का एक तो एडजस्टमेंट उन्होंने कर ही दिया था, दूसरा एडजस्टमेंट हमने कर दिया, तीसरा एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, इसमें प्रॉफिट इंपैक्ट क्या है, पांचवा पॉइंट हो गया है, छठवें पॉइंट यानी इन पॉइंट्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 9th पॉइंट तक हम आ चुके हैं, हम लोग 10th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अरे कोई बात नहीं श्याम कुमार जी, वापस देख लीजिएगा वीडियो। एक्चुअरियल गेन ऑन एम्प्लॉई बेनिफिट मेजरमेंट ऑफ 1,000 हैज़ बीन ओमिटेड, हैज़ बीन ओमिटेड इन द फाइनेंशियल्स ऑफ सौभ भारती लिमिटेड, सौभ भारती के फाइनेंशियल्स में से एक्चुअरियल गेन जो है ना वो ओमिट हो गया है, तो क्या करना है इसको, अदर इनकम में डाल दूँ, प्लस 1,000 गेन लिखा है तो ऑब्वियसली इनकम है, तो 1,000 का गेन अदर इनकम में लिख दूँ, हाउ मेनी क्वेश्चन डन। अरे यार दो क्वेश्चन तो करने हैं अक्षय जी, ये पहला है, इसके बाद एक और करेंगे, बस दो ही क्वेश्चन होंगे आज। चलो बोलो, ये 1,000 का गेन आपकी तरफ से ओमिट हो गया तो अपने को अकाउंट करना है, सीधी बात है, इसके डेफर्ड टैक्स भी देखेंगे बाद में, देखेंगे डेफर्ड टैक्स, पहले तो बताओ क्या करूँ। शाबाश, बहुत बढ़िया विनय जी, अरुणा जी, वेरी गुड वेरी गुड, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा, तो इसके नीचे हम लोग OCI दिखाएंगे, एक्चुरियल गेन 1,000 ऐड करेंगे, इस 1,000 पे किसी ने डेफर्ड टैक्स बताया था ना, दिव्या जी ने बताया था कि सर डेफर टैक्स आएगा लाइबिलिटी 300 का, है ना, तो नेट हम लोगों के OCI में 700 का गेन दिखता रहेगा, बहुत बढ़िया शानदार। अब मैं डेफर टैक्स लाइबिलिटी को और 300 से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो 1,000 का सेकेंड एडजस्टमेंट बताइए, 300 का तो डबल एडजस्टमेंट हो गया, एक तरफ डेफर टैक्स ऐड कर दिया, ऊपर PL में से 300 माइनस कर दिया, डबल एडजस्टमेंट हो गया, हर पॉइंट का एग्जाम में डबल एडजस्टमेंट करना, वरना एंड में बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, हर पॉइंट का सोच लेना कि पहला एडजस्टमेंट कहाँ हुआ, दूसरा एडजस्टमेंट कहाँ हुआ। अब 1,000 का पहला एडजस्टमेंट ऊपर हो गया, दूसरा एडजस्टमेंट बताइए मैं कहाँ करूँ, सभी लोग बताइए,
और जिसने भी जो भी चैट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप चैट नहीं कर पा रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका चैट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई बताइए। अब ये 1000 का सेकेंड एडजस्टमेंट कहाँ होना चाहिए यार? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस। अरे पर ये तो बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा ना, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन डेरिवेटिव जी कहाँ पे डालूँ? बैलेंस शीट के आइटम्स तो आपकी आंखों के सामने हैं, है ना। अब ये डीबीओ कहीं ना कहीं तो दिख रहा होगा। आप बोलोगे सर अलग से नया डीबीओ बना दो, पुराना कोई डीबीओ दिख रहा होगा, उसीलिए तो उसके ऊपर एक्चुअरियल गेन लॉस आया, तो वहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं ना यार, डीबीओ तो नहीं हो सकता। डीबीओ कहाँ दिख रहा है? डीबीओ तो दिख नहीं रहा ना, बैलेंस शीट में इतने ही आइटम है ना। अरे अदर इक्विटी तो शुभम जी प्रॉफिट ही अदर इक्विटी है ना। ओसीआई का एडजस्टमेंट मतलब अदर इक्विटी में क्या? वो पहला एडजस्टमेंट हो गया, जो मैं पीएल में कर रहा हूँ वो अदर इक्विटी में जा रहा है। ये प्राइमरी एडजस्टमेंट हो गया, आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट बताइए। अदर इक्विटी इज नॉट द प्राइमरी एडजस्टमेंट। नहीं विनय जी आप लोग समझे नहीं, जो चीज़ पीएल में गई वो तो प्राइमरी एडजस्टमेंट है। पीएल में जो गया वही रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा, मतलब अदर इक्विटी में। तो वो एडजस्टमेंट तो मैंने बता दिया ना ऊपर 1000 का। आप सेकेंड एडजस्टमेंट बताइए, रिजर्व एंड सरप्लस के अलावा कहाँ जाना चाहिए? समझा? वेरी गुड दिव्या जी, हरिणी जी प्रोविजंस में एडजस्टमेंट करेंगे। ये जो प्रोविजन है ना यहाँ पे जाएगा। अब गेन हुआ है मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, ये आपको सोचना है। गेन हुआ है मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, यहाँ 1000 माइनस हो जाएगा। समझा? यहाँ 1000 माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। अरे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में सही बोल रहे हो, मैंने शॉर्ट टर्म में कर दिया ऊपर, लॉन्ग टर्म में करेंगे 1000 माइनस। ठीक है, लॉन्ग टर्म में करेंगे। हाँ अरे विनय जी बात सही है, रिक्लासिफाइबल टू पीएल, पर मेन मुद्दा तो समझिए। ठीक है, बहुत बढ़िया रचित जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया केवल्य जी। तो एग्जाम में ध्यान रखना है, डीबीओ बना नहीं सकते ना आप। बोलोगे सर मेरे को डीबीओ लिखना है, अब डीबीओ पहले से एग्जिस्ट तो कर रहा होगा, इसीलिए एक्चुअरियल गेन एक्चुअरियल लॉस है। अब आप 1000 रुपीज माइनस डीबीओ कैसे दिखा सकते हो? मतलब इन्हीं में से किसी चीज़ के अंदर में उसका बैलेंस पड़ा है। डीबीओ प्रोविजंस में पड़ा होता है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन प्रोविजंस वगैरह में ही पड़े होते हैं, तो प्रोविजन में एडजस्टमेंट कीजिए उसका। ठीक है, हाँ विनय जी, पीएल डेबिट टू प्रोविजंस, पीएल डेबिट टू प्रोविजंस। ठीक है, हाँ शुभम जी, एसेट में एक्चुअरियल गेन एक्चुअरियल लॉस नहीं होते, लाइबिलिटीज में एक्चुअरियल गेन एक्चुअरियल लॉस होते हैं। तो एडजस्टमेंट हमेशा प्रोविजंस के थ्रू होगा, और अगर डीबीओ बना हुआ है यानी लाइबिलिटीज कहीं कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिख रही है तो फिर वहाँ पर एडजस्टमेंट होगा। ठीक है चलो, तो यहाँ तक हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दे आर करेक्टली रिकॉर्डेड। तो हमने तो सब कुछ कर दिया सारे एडजस्टमेंट्स, अब रिवाइज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने 20,000 रुपये से अदर इनकम बढ़ाई थी, 20,000 रुपये से अदर इनकम बढ़ाई थी, और डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये, ये जो लिखा है ना ये इनकम टैक्स के हिसाब से, तो इसको इग्नोर कर देंगे अपन। ठीक है, इसको इग्नोर करना है। तो ओवरऑल अभी प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? ऑप्शन वही लगा सूटेबल, कुछ बचा नहीं तो प्रोविजन। सही बात है, मेरे को करेक्ट प्रॉफिट बताइए, जो एंड में आखिरी में मेरे को जो प्रॉफिट लिखना है यहाँ पे पूरा ओसीआई ओसीआई के साथ एंड में मेरे को जो प्रॉफिट लिखना है वो कितना लिखना है मेरे को बता दीजिए। आपने सिर्फ अदर इनकम में 20,000 का एडजस्टमेंट किया, और कोई एडजस्टमेंट आपने किया नहीं है, तो मेरे को फाइनली प्रॉफिट कितना लिखना है आप मेरे को ये बता दीजिए। करंट टैक्स का इफेक्ट बचा है, करंट टैक्स का, करंट टैक्स में गड़बड़ है, चलो देख लेते हैं। हमारा जो प्रॉफिट है वो है 1,25,700। थर्टी परसेंट 37,710। हाँ करंट टैक्स, वन लैख 25,700 पे टैक्स आना चाहिए, 30%, 37,710। बात तो सही बोल रहे हो आप, ये जो नेट टैक्स है ये 37,710 दिखना चाहिए, है ना। चलिए 3.75 लैक्स, ये करेक्ट है, ये 3.75 लैक्स हो गया। वेरी गुड, बढ़िया। डेफर्ड टैक्स हो गए 6,000 प्लस 6,000 माइनस 7,200, यानी कि 4,800। एक मिनट, इसको 37,710 करता हूँ, है ना, ये चेंज होके हो गया 4,800,
बराबर चल रहे हैं। अच्छा टैक्स का अमाउंट 125,700 है क्या? मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या? द करेक्ट करंट टैक्स। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं प्रॉफिट समझ रहा हूँ, मैं उसके ऊपर 30% कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सॉरी मेरी गलती, आप लोग सही बोल रहे हैं। करंट टैक्स चेंजेस टू 125,700, 125,700, ठीक है, बराबर बराबर, सॉरी मेरी गलती है, मैं समझा कि वो टैक्सेबल प्रॉफिट है और मैं उसके ऊपर 30% कैलकुलेशन करने बैठ गया। चलो कोई बात नहीं, तो 3,75,000 माइनस 125,700 माइनस 4,800, तो 244,500। ये केवल जी ने भी निकाला था। अरुणा जी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा फिगर नहीं निकल गया आपका, है ना? फिर उसमें अपन ने 1,000 ऐड किया, 300 माइनस किया, तो हो गया 245,200। आइए पीएल से कंपेयर कर लेते हैं, 245,200 मैच्ड, ठीक है। तो जो मैंने गलती की आप लोग मत कीजिएगा, मैं इसे टैक्सेबल इनकम पड़ गया, हो सकता है शायद आप में से किसी से गलती हो जाए, वैसे तो नहीं होगी, आप सबने पकड़ लिया था ये गलती, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखिएगा। टोटल टैक्स एक्सपेंस 130,500, करेक्ट करेक्ट। चलो यहाँ तक क्लियर है पूरा का पूरा? पीएल, पीएल में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो रिजर्व एंड सरप्लस चेंज होके हो जाएगा 245,200, है ना? 245,200। अगर आप 227,500 में 15,000 का डिविडेंड ऐड करेंगे तो वो 242,500 था, जो आपको पुराने पीएल में दिख रहा था, पुराने पीएल में दिख रहा था, ठीक है, 242,500। तो अपने को तो पूरा 245,200 लिखना है, ये याद रखना, 242,500 से उतना सा ऐड करके मत लिख देना। रिजर्व एंड सरप्लस 227,500 प्लस 15,000 लिख दोगे यहाँ पे, फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, ऊपर से जो फिगर आ रहा है वो लिखना है, ठीक है। चलिए शुभम जी का डाउट है, सर एक्चुअल गेन पे 300 डीटीएल एडजस्ट नहीं करेंगे क्या? एक्चुअरियल गेन पे किया ना, ये देखो ना, ये लिखा तो है ना मैंने 300 डीटीएल किया तो है, ठीक है। सर अदर एक्सपेंस का बाइफरकेशन क्या किए हो? अदर एक्सपेंस का बाइफर्केशन किया नहीं मैंने, मैंने कहा कि इस अदर एक्सपेंस के अंदर में प्रेलिमिनरी एक्सपेंस 30,000 रुपये आपने डाले हैं, प्रेलिमिनरी एक्सपेंस जो लगा था ना वो 30,000 डाला था, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ 6,000 अलाउ कर रहा है, वो था बस और कुछ नहीं, ठीक है शुभम जी। चलिए आइए अब देखते हैं बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या। आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन 24,000 हो गए, डेफर्ड टैक्सेस 6, 6, 12, 12, 300 माइनस 7,200, ये 5,100 हो गए, है ना? मैं उस तरफ सारे फिगर्स लिख देता हूँ, 245,200, ये 1,00,000 था, ये 24,000 हो गया, इसमें आपने 1,000 माइनस किया था इसीलिए। हाँ हरिणी जी, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 15,000 का डिविडेंड एडबैक करना है, तो हो सकता है बैलेंस शीट बनाते समय आप क्या बोलें कि सर रिजर्व 242,700 दिख रहा है, मैं इसमें 15,000 डिविडेंड ऐड कर देती हूँ, आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, जबकि रिजर्व पूरे तरीके से बदल चुके हैं, ऊपर से जो प्रॉफिट आया 245,200 वो रिजर्व से, ऊपर 245,200 आया ना वो पूरा रिजर्व है, फर्स्ट ईयर है ना अपना, फर्स्ट ईयर है तो ऊपर का पीएल पूरा का पूरा आएगा, मैंने बस ये बोला आपको, ठीक है। चलो तो ये मत करके आना, ये मत करके आना, मैंने इन शॉर्ट ये बोला आपको बस। ट्रेड पेएबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, अदर करंट लाइबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज रहेंगे। तो यहां तक के नया टोटल निकाल लीजिए, बताइए यहां तक के नया टोटल कितना है? और भी किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो। आया क्या किसी का टोटल? तब
तब तक हम आगे भी लिखते हैं, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे 50,000 हो गए, ठीक है। अब ये वापस ऐड मत कर देना। इन्वेंट्री एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। 536,800। नम्रता जी, आपका टोटल अलग क्यों आ रहा है? ठीक है, बाकी तो पूरा एज इट इज दिख रहा है। अरे अपन ने 15,000 रुपये माइनस कहाँ पे किए थे? एक तरफ मैंने रिजर्व्स में ऐड किया तो दूसरी तरफ कहीं माइनस भी तो करवाया था ना 15,000। यहाँ लिखा हुआ क्यों नहीं है 15,000 रुपये का माइनस डिविडेंड का? अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर में दिख रहा है कि अदर करंट लाइबिलिटीज 15,000 से कम भी हुई है। इसको भी चेंज करना है, ये ध्यान रखिए, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे। ये 30,000 है तो 15,000 रुपये और कम हो जाएंगे इसमें से, तो 521,800 होगा बराबर। सही बोल रहे हैं अरुणा जी, बराबर सर। लेकिन डायरेक्ट अगर कोई डिविडेंड कर के तो भी सेम आंसर आ रहा था, तो पता कैसे चलेगा कि गलती हुई है? समझा नहीं शुभम जी आपका। आप डिविडेंड ऐड करेंगे तो 242,500 आ रहा है, 245,200 नहीं आ रहा है। आप 2 और 5 को इधर उधर कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ डिविडेंड ऐड करोगे तो 242,500 आ रहा है, फिगर इधर उधर है, ध्यान रखिए थोड़ा सा। चलो और भी कोई एडजस्टमेंट बचाएगा अपना? सर एसटीपी भी चेंज होगा, वो करंट इसका एसटीपी क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 125 क्यों होगा? उसमें कौन से 15,000 ऐड हुए? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या ऐड हुआ था? मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या ऐड करवाया था आपने? अच्छा, करंट टैक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट करेक्ट। ये एक एडजस्टमेंट और रह गया, 125,700 और 106,500 का डिफरेंस, 106,500 का डिफरेंस। तो टैक्स का अमाउंट भी उतने से बढ़ जाएगा, आपका टैक्स बढ़ा है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी एक एडजस्टमेंट बढ़ेगा। सही बोल रहे हैं आप लोग, करेक्ट। तो 125,700 और 106,500 का डिफरेंस, 19,200 और ऐड हो गया इसमें, है ना? तो ये 125,700 हो गया। फिर से टोटल चेंज हो गया, फाइव लाख 41,000। अब इसमें भी 20,000 रुपये ही बढ़ गए थे, तो ये भी 5,41,000 ही हो गया, तो बैलेंस शीट टैली होगी अपनी, है ना? तो टोटल इतने एडजस्टमेंट्स है। कौन कौन से पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है? करंट टैक्स प्रोविजन, जहाँ गड़बड़ हो सकती है ना, और डिविडेंड का पॉइंट, टैक्स का पॉइंट, ठीक है। करंट टैक्स रिलेटेड टू एक्चुअरियल गेन एक्चुअरियल लॉस, कि ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 700 डाल रहे हो, एक जगह 1,000 एक तरफ 300, उस तरह से एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। हाँ नहीं, टोटल बराबर है, 5,41,000 नम्रता जी, बराबर आया है, ठीक है। आई एम इम्पॉर्टेंट, बहुत मिस्टेक्स होती है, करेक्ट शुभम जी। तो बस हर पॉइंट का अगर डबल एडजस्टमेंट ध्यान रखोगे, जैसे हम लोगों ने जब ऊपर इनकम टैक्स को चेंज किया 125,700 किया, तब हम लोगों ने सेकेंड एडजस्टमेंट की बात ही नहीं की, बाकी हर पॉइंट पे हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने सेकेंड एडजस्टमेंट की बात नहीं की। डिविडेंड माइनस करना क्यों रह गया? क्योंकि मैंने रब कर दिया था, अदरवाइज जब हम सॉल्व कर रहे थे तब तो मैंने लिखा था वहाँ -15,000, वापस जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या, इसी बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो वहाँ पे वो छूट गया हमारा। तो बस बाकी तो सारे के सारे अपन ने सही किए, ऑल तो कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई नहीं थी। मैं यही बात बोल रहा हूँ, बस एग्जाम में आप डबल एडजस्टमेंट याद रखिए, हर पॉइंट का अगर डबल एडजस्टमेंट किया है आपने तो आप लोग सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सही बनेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्लियर है? बड़े आगे अगला वाला देखें। सर ऐसे क्वेश्चंस में तो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट फिगर के साथ
लिखने से ही जमता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं रहता। करेक्ट आशुतोष जी। तो ऐसे में एग्जाम में क्या करना है? ऐसा क्वेश्चन आ गया है, हमको पता है पहले पेज पे बैलेंस शीट बनेगी, है ना? पहले पेज पे बैलेंस शीट बना लो पूरी की पूरी। पेंसिल आपके पास रहती है, पेंसिल आपके पास रहती है, आपको पता है डिविडेंड का एडजस्टमेंट अदर करंट लायबिलिटी में -15,000 करना है। पेंसिल से एक बार लिख दो -15,000। अपने को एग्जैक्ट लाइन नहीं पता ना कौन से लाइन में आएगा, एक बार का इतना लिख के छोड़ दो। मैंने जितने एडजस्टमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे लिखाए हैं, जितने एडजस्टमेंट लिखाए हैं, ये सब आप पेंसिल से तो अपने पेपर के ऊपर लिख ही सकते हैं। ये 1,000 भी, ये 7,200 भी, ये 15,000 भी, ये सारे के सारे आपके बैलेंस शीट में लिखे जा सकते हैं। पेपर में लिखना अलाउड नहीं है, आंसर में तो लिखना अलाउड है ना। पेपर के ऊपर सीधा सीधा बैलेंस शीट बना दीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए। अगर वो नहीं जम रहा है आपको तो लास्ट पेज रफ पेज है, रफ पेज के ऊपर लिख के रखिए कि बैलेंस शीट के अंदर में यही ऐड। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे बस रफ पेज की तरफ देखते रहना, हाँ ये वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे ऐड होगा, ये वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे माइनस होगा, करेक्ट, उससे हो जाएगा। सो देयर आर ऑलवेज टू पॉसिबिलिटीज। आप जो बोल रहे हैं ना वो आराम से टैकल किया जा सकता है, वो टैकल करना प्रॉब्लम नहीं है पेपर के अंदर में। ठीक है आशुतोष जी, जम जाएगा। चलो तो इसके साथ ये वाला सवाल एंड हो गया। अब आ जाइए पेज नंबर 14.110, 14.1 नहीं, 14.110 नहीं, सॉरी सॉरी, नॉट 14.110, 6.36, 6.36 पे आ जाइए। शौर्य लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, शौर्य लिमिटेड इलस्ट्रेशन 17। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं आरटीपी एमटीपी में मिलेगा। हमने हमारे मॉड्यूल में भी नहीं डाला, जो फुल लेंथ क्वेश्चन है वो सब मैंने मेरे मॉड्यूल के, मैंने जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन बैंक बनाया उसमें नहीं डाला है, क्योंकि वो सब आईसीए मॉड्यूल में इंकॉर्पोरेट हो गए हैं उस सीजन से। ठीक है, इस थियरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग बिग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नहीं रवि जी, बिग क्वेश्चन के लिए नहीं, स्मॉल क्वेश्चन के लिए थियरी इंपॉर्टेंट है। 115 का रिविजन वो तो गया ना आशीष जी, 115 के अपने कितने सीरीज है, शायद 5 वीडियोज है 115 के, ऐसा नहीं 5 नहीं है, सॉरी सॉरी 2 वीडियोज है इंडियस 115 के, 2-2 घंटे के सेशन लिए थे अपन ने, हो गया 115 ऑलरेडी। प्लेलिस्ट देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है नवंबर 2021 की, उसमें देखेंगे। चलिए यहाँ पे आइए। शौर्य लिमिटेड इज अ कंपनी है रजिस्टर्ड हैविंग कॉर्पोरेट ऑफिस इन दिल्ली। 60% ऑफ शौर्य लिमिटेड इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेस्ट बाय इन्वेस्टर्स। 60% सरकार के पास है, 40% दूसरे इन्वेस्टर्स के पास। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज अप्लाइंग इंड एस, इंड एस पहली बार लगा रही है 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए। फॉलोइंग बैलेंसेज आर प्रिपेयर्ड एज पर अर्लियर गैप फॉर द बिगनिंग ऑफ द अर्लियस्ट पीरियड प्रेजेंटेड, बिगनिंग ऑफ द अर्लियस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। इज दिस एमटीपी नवंबर 20 क्वेश्चन? हाँ शायद हरिनी जी, मोस्टली आप जो बोल रहे हैं। अब आपको 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दी हुई है, इंडियस 101, तो 1920 में आपको इंडियस लगा, प्रीवियस ईयर 1819, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2018, यानी 31 मार्च 2018, है ना? ठीक है, हाँ इंडियस 101 में आ रहा है रवि जी, करेक्ट। अब देखिए, अदर करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड 3,90,000 टू बी पेड इन कैश एज एक्सपेंस पेबल, सैलरी पेबल एंड 60,000 गवर्नमेंट ड्यूज है। आइए अदर करंट लाइबिलिटीज देखते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज अपने को दिख रही है 4,50,000 रुपये की। अब इनका कहना है इसमें से 3,90,000 और 60,000, इसके दो बाइफरकेशन है, 3.9 लाख और 60,000। अभी सेम मुद्दा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। बताइए मुझे 390 को हमने क्या ऐड में प्रेजेंट करना चाहिए और 60,000 को क्या ऐड में प्रेजेंट करना चाहिए? चलिए बताइए सभी लोग। इंडियस 1 विद इंडियस 101, करेक्ट अरुणा जी। ये क्वेश्चन में दो स्टैंडर्ड काम आएंगे, इंडियस 1 के हिसाब से पहले शेड्यूल 3 प्रेजेंटेशन की बात करेगा वो, और फिर उसके बाद में 101 के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट्स भी करने बोलेगा। चलो बताओ, 3.9 लाख और 60,000 दोनों करंट लाइबिलिटी में दिखाना सही है या इसका कुछ बाइफरकेशन करना पड़ेगा? सैलरी वेजेस वगैरह 3,90,000 पेबल और 60,000 है गवर्नमेंट ड्यूज। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एवरी वन। वेरी गुड, ये जाएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, क्योंकि पूरा कैश में पे करना है, ये अदर करंट लाइबिलिटीज में ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 60,000 में। बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो अब फंडे समझ में आ रहे हैं, सब लोगों को क्लियर है, ध्यान में रह रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस इंक्लूड 40,000 लोन एंड रिमेनिंग इज एडवांस टू स्टाफ 1,10,000। चलो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ठीक है,
इसमें इन्होंने दो बाइफर्केशन दिए, 1,10,000 और 40,000 रुपये। तो 1,10,000 रुपये इन्होंने बोला है एडवांस टू स्टाफ है और 40,000 रुपये लोन इन एडवांस है। ठीक है, एडवांस, लोन इन एडवांस, तो ये फाइनेंशियल में जाएगा या अदर देन फाइनेंशियल में? अदर नॉन करेंट एसेट्स या अदर फाइनेंशियल एसेट्स? फाइनेंशियल एसेट्स, उनके अंदर में, किसके अंदर में दिखना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट्स में या अदर देन फाइनेंशियल एसेट्स? तो अरुणा जी का कहना है सर ये तो दोनों ही फाइनेंशियल है। सर ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपके आंसर आईसीआई से मैच नहीं करते पर आप कंसेप्चुअली सही हो तो हम कौन सा आंसर लिखेंगे एग्जाम में? शिखा जी मैंने ये बात 2-3 बार बोली है, इनफैक्ट जहाँ पे मैं गलत जाता हूँ ना वहाँ पहले बोलता हूँ कि देखो आप लोग आईसीआई को मेल करो, जहाँ आपको लग रहा है कि मैं कंसेप्चुअली सही जा रहा हूँ आईसीआई को मेल करो, आईसीआई रिप्लाई करेगा विद एक्सप्लेनेशन अगर आईसीआई सही होगा तो, और अगर आईसीआई गलत होगा तो चेंज कर देगा। पिछले 1 साल में 4 जगहों पर हम लोगों ने आईसीआई के आंसर चेंज करवाए हैं, और मैंने नहीं, स्टूडेंट्स ने करवाए हैं। मैंने जो चेंज करवाया वो तो अलग ही कहानी है पूरी की पूरी, आप लोगों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, हमारे यही यूट्यूब वीडियोस में अब तक के 4 आंसर्स बदल चुके हैं। इंस्टीट्यूट ने बदला है, एक्सेप्ट किया अपनी गलती। इंडिया 33 का एक क्वेश्चन है, इंडिया 41 का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर में करेक्शन हुआ है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के क्वेश्चन में हमने करेक्शन करवाया है, 103 में हमने करेक्शन करवाया है। मिल कीजिए, अगर रिप्लाई कर देता है इंस्टीट्यूट विद करेक्ट आंसर तो आपको कंसेप्चुअली चलना है, और अगर रिप्लाई नहीं करता है तो जो आईसीआई ने किया है चुपचाप एग्जाम में वही करके आ जाइए, प्रॉब्लम क्या है? ध्यान में तो है कि गलती हुई है, जब गलती पता होती है कि इंस्टीट्यूट ने क्या गलती की है तो वो भी ध्यान में रहता है कि क्या गलत किया है इंस्टीट्यूट ने, वही सॉल्व करके आ जाना फिर। ठीक है, सो ऑलवेज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। हाँ भाई, तो दोनों के दोनों ही फाइनेंशियल एसेट्स है तो ये तो एक्सेप्टेबल है, 1,10,000 रुपये पड़ा रहेगा लोन एंड एडवांस हेड में ही और 40,000 पड़ा रहेगा अदर फाइनेंशियल एसेट्स में, तो ये आंसर सभी लोगों ने सही दिया है। वेरी गुड, सही चल रहे हैं अपन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ, ये लोन एंड एडवांस में चल जाएगा, इसको अदर फाइनेंशियल एसेट्स में डाल देंगे। चलिए, नॉन करेंट एसेट 2 लाख रुपीज़ एज कैपिटल एडवांस टू सप्लायर, तो हमने अभी जो क्वेश्चन किया वैसे ही सेम चल रहा है ये, तो ये तो, ये भी नॉन करेंट एसेट सही है, अभी आपको नहीं पूछूंगा, ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था तो ये तो करेक्ट ट्रीटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदर करेंट एसेट्स इंक्लूड 3,50,000 करेंट एसेट रिसीवेबल इन कैश प्रीपेड एक्सपेंस 50,000 अदर करेंट एसेट्स, इसमें से 3,50,000 रुपये कैश में मिलने वाले हैं और 50,000 रुपये प्रीपेड एक्सपेंस है ना? तो बताइए, 3,50,000 तो फाइनेंशियल एसेट्स में चला गया, ये 50,000 भी फाइनेंशियल एसेट में रहेगा क्या? आपसे वो 50,000 की बात कीजिए प्रीपेड एक्सपेंस, 3,50,000 तो मेरे को समझ गया, अब आप लोग कुछ गलत बोलोगे नहीं उसमें, आप 50,000 की बात कीजिए। सर कैन वी गो फॉर कंसेप्ट वाइज बिकॉज हाउ टू रिकॉल ऑल द पॉइंट्स वेयर आईसीआई डिफर्स? नहीं यार रवि जी, मैं थोड़ा सजेस्ट नहीं करूँगा, वो रिस्की है, कंसेप्चुअली हम सही होंगे पर आईसीआई के पास आंसर अगर कुछ और है और आप अगर वो आंसर लिख के नहीं आते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो अपन ऐसे नहीं चल सकते, आप जो बोल रहे हैं मतलब मैं नहीं सपोर्ट करूँगा उस पॉइंट को, आप सही है बात ठीक है पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है यार वहाँ पे। चलो वेरी गुड, 50,000 अदर करंट एसेट्स में जाएगा, अदर करंट एसेट्स, वेरी गुड, क्या बात है, सभी लोग एकदम सही जा रहे हैं यार, तो पकड़ आ गई है। शेड्यूल 3 में तो अब कोई प्रॉब्लम रही नहीं है ना? शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड डिविडेंड पेबल 2 लाख रुपीज़, ऑब्वियसली इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में से 2 लाख रुपये, ये आपको नहीं पूछ रहा मैं, ये आप लोग कर लोगे, यहाँ 2 लाख रुपये माइनस हुए, यहाँ 2 लाख रुपये ऐड हो गए, तो ये तो सिंपल था। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101, हमको इसके ऊपर ध्यान देना है, ऊपर के पॉइंट तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखे ही थे, अब ये भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम जब 101 किया था, इन सारे पॉइंट्स में से सिर्फ एक पॉइंट आपको नया मिलेगा, बाकी पॉइंट पूरे हम लोगों ने लास्ट टाइम जब 101 पढ़ रहे थे तो डिस्कस किया था। ठीक है, डे बिफोर येस्टरडे जो सेशन हुआ था उस पे, पीपीई कंसिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफिस बिल्डिंग जिसका कैरिंग अमाउंट 10 लाख है, फेयर वैल्यू 15 लाख है, कंपनी वॉन्ट्स टू फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल, कंपनी कर सकती है क्या? और अगर करती है तो 5 लाख कहाँ जाएगा? इंड एज 101 वाली बैलेंस शीट बन रही है, ट्रांजिशन डेट वाली बैलेंस शीट बन रही है, ध्यान रखिए ट्रांजिशन डेट वाली बैलेंस शीट बन रही है, 15 लाख पे कर सकती है क्या? कर सकती है तो 5 लाख कहाँ जाएगा बताइए? सभी लोगों ने इंड एज 101 के सेशन अटेंड किए थे, नाम से मैं इतना तो रिकॉल कर ही सकता हूँ, आप लोग मुझे ये बताइए कि कहाँ जाना चाहिए ये 5 लाख रुपए का डिफरेंस। चलिए, तो अरुणा जी का कहना है सर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। ठीक है, वेरी गुड हरिनी जी, वेरी गुड अशोक जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, रिटेन अर्निंग में नहीं जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, तो आप सभी लोगों ने सही बोला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे डेरिवेटिव जी, आप लास्ट सेशन में थे नहीं ना, तो आपने ये गलती कर ही दी आखिर में,
रिटेन अर्निंग में नहीं, फेयर वैल्यू गेन रिलेटेड टू इंडिया 16, 38 एंड 40, सिर्फ ये तीन स्टैंडर्ड, सिर्फ ये तीन स्टैंडर्ड के केस में रिवैल्यूएशन सरप्लस, नॉट रिटेन अर्निंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। द फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऑन द डेट इज एस्टिमेटेड टू बी 2,50,000, हाउएवर ही इज रिलक्टेंट एंड वॉन्ट्स टू यूज द कैरिंग अमाउंट। सामने वाला कैरिंग अमाउंट यूज करना चाहता है तो करो भाई। ये भी पॉइंट पिछले क्वेश्चन से रिपीट आया है, नहीं पिछले नहीं, ये लास्ट टाइम 101 से रिपीट आया है। तो फेयर वैल्यू करना ही पड़ेगा या प्रीवियस कैरिंग अमाउंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी डीम कॉस्ट? बताइए बताइए, प्रीवियस कैरिंग अमाउंट को डीम कॉस्ट मान सकते हैं क्या? डिविडेंड एडजस्टमेंट कैन बी रिफर टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और जस्ट कोट दैट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज करंट लाइबिलिटी इन करंट ईयर। दोनों में से कुछ भी चलेगा रवि, आप इंडिया स्टैंड भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं आपके। तो ये अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही जा रहे हैं अपन। शौर्य लिमिटेड अक्वायर्ड 80% इन अ कंपनी एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड फ्यू ईयर्स एगो। पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में हम लोगों ने एक कंपनी अक्वायर की थी। शौर्य लिमिटेड रिकॉग्नाइज गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फेयर वैल्यू इज नॉट डन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, उस समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वैल्यूएशन किया था। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना पड़ेगा क्या ये बताइए? आपने कुछ साल पहले 80% खरीदा था, सब्सिडियरी बन गई थी वो आपकी, आपने गुडविल निकाल दिया था, अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वापस गुडविल निकालना पड़ेगा क्या रेट्रोस्पेक्टिवली, ये बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड डीम कॉस्ट। बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शनल है, नहीं इम्पेयरमेंट टेस्ट अलग कहानी है अक्षय जी, इम्पेयरमेंट टेस्ट की बात मत कीजिए, 101 के बारे में नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इम्पेयरमेंट टेस्ट पे मत चले जाइए। वेरी गुड, तो रेट्रोस्पेक्टिव जाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, यानी सामने वाला पुराने कॉस्ट, पुराने गुडविल को ही कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना गुडविल कंटिन्यू कर लीजिए, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाबाश, सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। ठीक है चलो अगला, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अमाउंट 20,000 एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज पर प्रीवियस गैप। प्रीवियस गैप के हिसाब से आपको लग रहा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना चाहिए, उस दिन आपको डाउट हो रहा था कि 20,000 रुपये नहीं आएंगे। नाउ एज पर लेटेस्ट एस्टिमेट्स, अब तो 2 साल हो गए ना इस बात को, आप जिस दिन इंडेक्स अडॉप्ट कर रहे हो उस दिन तो 2 साल हो चुके हैं इस बात को, इसके हिसाब से हमको पता है कि एक्चुअल में 20,000 नहीं 25,000 रुपये नहीं आने वाले हैं, 25,000 रुपये नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मार्क करके रखिए, अब तक के हम लोगों ने एक ये पॉइंट नया पढ़ा, इसके बाद हम एक गवर्नमेंट लोन वाला पॉइंट, एक नया पॉइंट पढ़ेंगे, तो टोटल 2 पॉइंट हम नए पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये पॉइंट है और एक गवर्नमेंट वाला पॉइंट आएगा। तो क्या मैंने अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 25,000 कर देना चाहिए या नहीं 20,000 ही रहने देना चाहिए, ये बताइए आप, 25,000 या 20,000, ऑप्शनल और नॉट नेसेसरी एक ही बात होती है रवि जी, ऑप्शनल और नॉट नेसेसरी दोनों एक ही बात होती है। आप अगर ये बोल रहे हैं नहीं कंपलसरी का कहानी है तो फिर बात अलग हो जाती है, ऑप्शनल है, चाहना चाहे तो आप रेट्रोस्पेक्टिव जा सकते हैं, नॉट नेसेसरी है, चाहे तो आप रेट्रोस्पेक्टिव जा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। पास बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए आपने क्या कुछ पूछा था क्या पास बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए शिखा जी? ऊपर मेरी तरफ से कुछ छूट गया क्या? टी आर इट वॉज ओके एट इनिशियल सो नो नीड टू री एस्टिमेट, शाबाश, 5,000 एडजस्ट करेंगे ऐसा हिमांशु जी का कहना है। ठीक है, इट वॉज डन एज पर इंड एस 37, 25,000 रुपये। चलिए, तो आप में से कई लोगों का ये कहना है कि सर 25,000 रुपये करना पड़ेगा, अब एक बात समझिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 क्या बोलता है, आप जिस दिन एक्चुअली 31 मार्च 2018 पे थे तो आपने 20,000 का प्रोविजन बनाया ये सोच के कि यार 20,000 रुपये नहीं मिलने वाले हैं। नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 एज पर पास रिकॉर्ड यू नो कि आपको और 5,000 रुपये नहीं मिले हैं, यानी अपने को नुकसान 25,000 का हुआ है, पर ये आपको कब पता चला, ये आपको कब पता चला, ये आपको पता चला ड्यूरिंग दिस पीरियड, समझ में आ रहा है, ये इस दौरान पता चल रहा है आपको, तो मैं इसका एडजस्टमेंट उस दिन कैसे कर सकता हूं, उस दिन तो ये पता ही नहीं था, उस दिन तो अंदाजा यही था कि 20,000 रुपये। सो इट वॉज करेक्ट एज पर AS, अगर आप कोई एस्टिमेट लेते हैं और वो एकर एस्टिमेट एज पर इंडिया एक्सेप्टेबल है तो हम इन एस्टिमेट्स को चेंज नहीं करते, कोई डेटा बाद में पता चल रहा है तो उसका इंपैक्ट ट्रांजिशन डेट पे नहीं लिया जाता, ये बात ध्यान में रखिए। ऐसे तो आप बोलेंगे उसके बाद में को कोई और डेटर का भी पता चला कि बैड डेट्स हो गए, कोई
कोई और लोन के अंदर में भी नुकसान हुआ तो सारे एडजस्टमेंट्स आप बोलेंगे 31 मार्च 2018 को कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान में रखिए, ऐसे एडजस्टमेंट नहीं किए जाते, ठीक है। तो ये 20,000 ही रहेगा, इसे 25,000 रुपये नहीं करना है, ठीक है, कंटिन्यू 20,000, बस ये ध्यान में रखिए, इसलिए इस पॉइंट को मार्क करा है। अब आप जनरली इंडेक्स 101 देखेंगे तो जो क्वेश्चन बोलता है अपन एडजस्टमेंट करते चले जाते हैं, वो कभी नेगेटिव एस्पेक्ट से बात नहीं करेगा, हम सिर्फ इस क्वेश्चन में दो पॉइंट्स ऐसे देख रहे हैं जहाँ नेगेटिव एस्पेक्ट है। अदरवाइज आज तक आपने 101 के जो क्वेश्चन देखे होंगे उसने बोला है कि हमको डीम कॉस्ट लेना है, कर लो, आपको फेयर वैल्यू डीम करना है, कर लो, आपको प्रीवियस कैरिंग अमाउंट कंटिन्यू करना है, कर लो, हर जगह तो अलाउड है ना। यहाँ पे पहला पॉइंट है जो बोल रहे हैं नहीं, तुम 25,000 नहीं कर सकते, ऐसी गवर्नमेंट लोन के बारे में भी होगा, ठीक है। नहीं रवि जी, इसके लिए आप इंडेस 10 रेफर नहीं कर सकते, इंडेस 10 इज नॉट अबाउट एस्टिमेट्स, इंडेस 8 बोले आप तो समझ में आता है, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट पॉइंट इन इंडेस 101, करेक्ट, नो अफेक्ट एज नो एविडेंस, करेक्ट सर। नेक्स्ट बैलेंस शीट में 25,000 होगा क्या? करेक्ट अशोक जी, इसके बाद वाली बैलेंस शीट में होगा, पर वो आपको नहीं बनाना है ना अभी, आपको तो सिर्फ ट्रांजिशन डेट बैलेंस शीट मांगी है, तो आपको नेक्स्ट बैलेंस शीट के बारे में अभी नहीं सोचना है, एग्जाम में अपनी सोच को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कीजिए, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में 25,000 का क्या होगा? बैलेंस शीट में 20,000 ही रहेगा ना अशोक जी, 25,000 का कुछ होगा ही नहीं। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, मैं मिक्स कर दिया, सॉरी सॉरी, नॉन एडजस्टिंग अमाउंट, ठीक है ठीक है, सही चल रहे हैं अपन लोग, बड़े आगे। अब एक बात ध्यान रखिए, मैं जो पेपर चेक कर रहा हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि थोड़ा सा रिटर्न प्रैक्टिस करना भी शुरू कीजिए साथ साथ में। रीज़न बताता हूँ कि जब मैं पेपर चेक कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट स्टार्ट तो कर पा रहे हैं पर एंड नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को, आधा करने का तो उनको ये नहीं समझ में आता कि अब इसके आगे क्या करना है। मतलब कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों का क्लियर है, कैलकुलेशन आप लोग सही लिख के आते हैं, पर उसका इम्पैक्ट क्या लेना है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में गेन है तो आप लोग लिख देते हो PL डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं होता, वो डेटर से आया होगा शायद, तो डेटर डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ऐसी एंट्री पास करना चाहिए। तो आप लोग कैलकुलेशन सही कर रहे हो पर अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट लेते समय आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा एक नहीं कई सारे पेपर्स देख लिए मैंने, इसके कारण सिर्फ आधे आधे मार्क्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को, बचे हुए आधे मार्क्स नहीं मिल रहे और अल्टीमेटली 50 तक तो कैसे भी पहुंच जा रहे हैं पर एग्जेम्पशन पे नहीं पहुंच पा रहे। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा अपना सेकेंड वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये कैसे होगा, ये रिटर्न प्रैक्टिस से होगा, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस मत कीजिए, अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी सोचिए। इसीलिए पिछली बैलेंस शीट मैंने आपसे पूरी टैली करवाई कि देखो टैली करके टैली हो रही है कि नहीं हो रही है, तब गलतियां समझ में आई, देखो कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, ठीक है। तो उस तरह से चलिए ध्यान रखिए। शुभम जी, इंडेस 37 यहाँ नहीं आ रहा ना, पहली बैलेंस शीट पर सिर्फ इंडेस 101 आता है। अब इंडेस 37 के हिसाब से पहले उसने 20,000 रुपये निकाल दिया था, अब हमको 25,000 से क्या लेना देना, पहली बैलेंस शीट पे सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड लगता है 101, और कोई स्टैंडर्ड नहीं लगता, जो ट्रांजिशन डेट की बैलेंस शीट होती है उस पर सिर्फ एक ही बैलेंस, एक ही एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। हाँ नम्रता जी, नहीं करने का रीज़न अभी तो बताया मैंने, 5,000 का डेटा आपको बाद में पता चल रहा है तो मैं क्यों एडजस्टमेंट करूँ उसका, जो डेटा आपके पास 31 मार्च 2018 को एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, मैं उसका एडजस्टमेंट इंडेस में क्यों करूँ, इंडिया 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में क्यों करूँ, समझा। बड़े अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी हैज टेकन अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज, 10 साल के लिए लिया आपने, 7% का रेट है, इस लोन का फेयर वैल्यू 50,000 है, कैरिंग अमाउंट 40,000 है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, 40,000 पे कंटिन्यू कर सकते हैं या 50,000 पे अकाउंट करना पड़ेगा, बताइए, 40,000 पे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? नहीं शिखा जी, अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी आई हुई है कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज, तो अभी तो पॉसिबल नहीं होगा, ऑलरेडी मेरी तरफ से अभी 15 सर्टिफाइड कॉपीज चेक करने की पेंडिंग पड़ी है। चलिए, कैन आई कंटिन्यू विद द प्रीवियस कैरिंग अमाउंट 40,000? अरुणा जी का कहना है सर कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, 50,000 रुपीज़ फेयर वैल्यू है उस लोन का, तो फेयर वैल्यू के ऊपर दिखाना पड़ेगा, बताइए सभी लोग ट्राई कीजिए। तो दिव्या जी का कहना है 50, शुभम जी का कहना है सर प्रीवियस कैरिंग अमाउंट को डीम कॉस्ट मान सकते हैं, है ना। हरिनी जी का कहना है 40, तो एक बात ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा था, आप प्रीवियस कैरिंग अमाउंट को डीम कॉस्ट मान सकते हैं, कौन से केस में, तीन केसेस में, 16, 38, 40, 16, 38, 40, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता, ट्रांजिशन डेट पे फेयर वैल्यू तो मेजर करना पड़ेगा बॉस, फेयर वैल्यू के बेसिस पे अकाउंटिंग होगी, फेयर वैल्यू 50,000 रुपये, यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकते, यहाँ 50,000 रुपीज़ ही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले बार 101 में भी आया था तो इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
अब इसका सेकेंडरी एडजस्टमेंट बताइए कहाँ पे है यार, ये कौन से हेड के अंदर है? लोन दिया है ना आपने, तो लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर में ये जो 40,000 रुपये दिख रहा है, इसी की बात हो रही होगी मेरे हिसाब से। करंट में है कि नॉन करंट में? कुछ लिखा नहीं है, तो यही वाले लोन एंड एडवांस होंगे। तो अपन इसको 10,000 रुपये से बढ़ा देंगे। इसका सेकेंडरी एडजस्टमेंट तो अरुणा जी ने कहा है कि सर रिटेन अर्निंग में डाल दीजिए, रचित जी ने भी यही बोला है कि रिटेन अर्निंग में डाल दीजिए, रिजर्व्स में डाल दीजिए। बहुत बढ़िया दिव्या जी, वेरी गुड। रिवैल्यूएशन सरप्लस में मत डाल देना, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं जाता, रिवैल्यूएशन सरप्लस में सिर्फ 16, 38, 40 जाते हैं, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है? आरी के अंदर, शाबाश, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बस एंड करने में हम लोग, फिफ्थ पॉइंट स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन में, बस ये 2 पॉइंट नए हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4,50,000 कंपोनेंट इज ड्यू टू स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट लोन मिला है सरकार से 4,50,000 रुपये। सरकार को इंटरेस्ट 4% देना है जबकि मार्केट रेट 8% है, फेयर वैल्यू लोन का 4,20,000 है। क्या पता है आप लोगों को ये एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ये एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, आप लोग ये बताइए। सर ट्रांजिशन डेट क्यों एडजस्टमेंट करते हैं, हम अलग से बैलेंस शीट रिवाइज भी तो बना सकते हैं। तो वही तो कर रहे हैं ना, रिवाइज बैलेंस शीट ही तो बना रहे हैं शिखा जी, ये ट्रांजिशन डेट एडजस्टमेंट्स करके रिवाइज बैलेंस शीट ही तो बन रही है, और बन क्या रहा है? चलिए 4,50,000 रुपीज़, 4,20,000 रुपीज़। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, इंडियस 101 के अंदर, ढूंढ लीजिएगा, अभी मुझे पेज नंबर ढूंढने में टाइम लगेगा। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड, अगर गवर्नमेंट से लोन मिलता है तो, ये लोग बोलते हैं अगर आपको गवर्नमेंट से लोन मिला हुआ है ना, तो इसका एडजस्टमेंट आप ट्रांजिशन डेट पे मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रांजिशन डेट पे इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिख जाएगा, यानी 4,20,000 अगर आप फेयर वैल्यू पे लेके आ जाएंगे तो 30,000 रुपीज़ का डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिख जाएगा। तो उनका कहना है कि अगर ऐसा लोन वाला केस है, लोन वाला केस, ठीक है, अगर ये लोन ट्रांजिशन डेट पे ही दिया गया है, अगर ये लोन ट्रांजिशन डेट पे ही दिया गया है तो आप एडजस्टमेंट कर दीजिए, पर अगर ये पुराना लोन है तब एक एग्जेम्पशन रूल दिया हुआ है, ठीक है? अगर ये लोन ट्रांजिशन डेट पे ही दिया हुआ है, इसका भी एक क्वेश्चन है आपको दिखेगा, लोन वैट डेफरल अकाउंट करके, वैट डेफरल अकाउंट करके क्वेश्चन में दिखेगा आपको, तो ट्रांजिशन डेट पे ही दिया हुआ है तो आप एडजस्टमेंट कर दीजिए, गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दीजिए, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। पर अगर ये पुराना लोन है, यानी ट्रांजिशन डेट के भी पहले का लोन है, तो ऐसे में आप ऐसा कोई एडजस्टमेंट मत कीजिए ट्रांजिशन डेट पे, सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट कीजिए इंडियस 109 का। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा है? वो बोल रहा है 101 के हिसाब से इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, 101 के हिसाब से नहीं हो रहा है। अब आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं 109 के हिसाब से, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर आप आज ही इसका फेयर वैल्यू डिफरेंस ले लेंगे तो ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट होगा नहीं, पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा, एडजस्टमेंट आप इसका रिटेन अर्निंग में कर दोगे, देखा जाए तो आप रिटेन अर्निंग को जबरदस्ती 30,000 रुपये से बढ़ा दोगे। उनको चाहिए कि ये एडजस्टमेंट अभी नहीं होना चाहिए, सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट करके पीएल के थ्रू रूट कीजिए इसको, ये फायदा पीएल के थ्रू रूट कीजिए, ताकि लोगों को दिखे कि हाँ ऐसा कोई बेनिफिट आपको मिला था। तो ट्रांजिशन डेट पे एक एग्जम्पशन दे दिया इस पॉइंट के अंदर कि नहीं, पुराना कैरिंग अमाउंट डीम कर दो, ईआईआर रहने दो 4%, सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें फेयर वैल्यू मेजरमेंट होगा, सब्सिक्वेंट, इसके बाद वाली 31 मार्च 19, इसके बाद वाली बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू मेजरमेंट होगा, और तब फेयर वैल्यू का डिफरेंस पीएल में जाएगा, पीएल में, रिटेन अर्निंग के थ्रू रूट नहीं हो रहा है। हमको इसे रिटेन अर्निंग से रूट नहीं करवाना है, इसीलिए एग्जम्पशन दिया गया, ठीक है? अभी आपको लॉजिकल लगे, इलॉजिकल लगे, पर ये एग्जम्पशन अवेलेबल है, इसी एग्जम्पशन के हिसाब से आगे बढ़ना है। एंड दिस इज एग्जम्पशन, ऑप्शनल नहीं है ये, कंपलसरी एग्जम्पशन है, ये कंपलसरी एग्जम्पशन है। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे को तो फेयर वैल्यू पे दिखाना है सर, मैं 420 पे दिखाऊंगा, आप नहीं दिखा सकते, कंपलसरी 450 वाला रूल फॉलो किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये याद रखना है, इसीलिए मैंने स्टार मार्क करवाया। इसका मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, इसका 30,000 का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये सब लोगों को ध्यान में रखना है। रेट का डिफरेंस निकालेंगे और रिटेन अर्निंग में डालेंगे, फिलहाल कुछ नहीं होगा शुभम जी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा, जो भी होगा, इस दिन 450 ही रहेगा, 420 कोई नहीं करेगा, सबको समझ गया? ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ठीक है? इसके लॉजिक के पीछे अपन ज़्यादा टाइम फिलहाल देंगे नहीं, क्योंकि उतना टाइम है नहीं अपने पास, मेन वो समझिए आप लोगों का एग्जाम आने पे है। तो बस ये पॉइंट को स्टार मार्क करके रखिए कि इसका यही एडजस्टमेंट होता है, और ध्यान रखिए सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट नहीं, इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है, पर आपके लिए ज़रूरी है जानना कि सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट में इसका फेयर वैल्यू मेजरमेंट होगा, ठीक है? चलो
अगला देखिए, अंडर प्रीवियस गैप म्यूचुअल फंड इज मेजर्ड एट कॉस्ट 2 लाख रुपए, फेयर वैल्यू है 2 लाख 30 हजार रुपए। क्या करना है बताइए फटाफट, 2 लाख और 2 लाख 30 हजार क्या करना है बताइए फटाफट। इसका एडजस्टमेंट बताइए जी पॉइंट का। और अगला पॉइंट है डेफर्ड टैक्स, इसके कारण हमें 50 हजार रुपये से बढ़ाना है डेफर्ड टैक्स इनकम। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड टैक्स इनकम, डीटीए या डीटीएल, ये भी बताइएगा कि अगला वाला डीटीए या डीटीएल है। 2 लाख 30 हजार रुपये मेजर करेंगे, 30 हजार रुपये से रिटेन अर्निंग बढ़ाएंगे। क्या बात, वेरी गुड, जबरदस्त। तो रिटेन अर्निंग 30 हजार रुपये से बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है हमको। और 30 हजार रुपये से हम लोग 30 हजार रुपये से हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी बढ़ा देंगे। शाबाश। चल अब आखिरी पॉइंट है डेफर्ड टैक्स इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड टैक्स इनकम, बस ये एक वर्ड, इसको भी मार्क कर ही लो यार, एच पॉइंट को भी मार्क कर ही लो। डेफर्ड टैक्स इनकम का मीनिंग आप लोगों को जानना जरूरी है। डेफर्ड टैक्स इनकम क्या होता है, तो हरिनी जी का कहना है सर ये डीटीए होता है, डेरिवेटिव जी का भी कहना है डीटीए होता है। तो जिनको डीटीए पता है कि ये डीटीए होता है ना, आप स्टार मार्क मत कीजिए। जिनको नहीं पता है ध्यान रखिए, डेफर्ड टैक्स इनकम हम लोग लाइबिलिटी बोलने की आदत होती है हमको, कि सर इनकम मतलब लाइबिलिटी होगा, ऐसा नहीं। कोई भी चीज़ जब डीटीए बनती है तो पीएल में क्रेडिट होती है, डीटीए बनता है तो क्रेडिट होता है। डेफर टैक्स एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, डेफर टैक्स इनकम डेफर टैक्स एसेट होता है। तो 20 हजार रुपये से डीटीए बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, डीटीए बन रहा है, ये सब लोगों को ध्यान में रखना है। ये एंट्री लिख देंगे तो ध्यान में रहेगा कि क्यों उसे डेफर टैक्स इनकम बोला जाता है। ठीक है चलो, तो इसका भी डबल एडजस्टमेंट हो जाएगा। डेफर टैक्स अगर दिख रहा है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी दिख रही है, तो मैं लाइबिलिटी को 20 हजार से कम कर दूंगा और रिजर्व एंड सरप्लस को 20 हजार रुपये से बढ़ा दूंगा। तो अपनी बैलेंस शीट टैली चल रही है, अपन ने सभी के डबल एडजस्टमेंट किए हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के। क्लियर है सभी लोगों को? कैन वी रिफर इनकम एज पीएल क्रेडिटेड, सो इट मीन डीटीए। हाँ रवि जी, यही बोल रहा हूँ मैं, आप जो लिख रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ, वही इंटरप्रेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है चलिए, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल 5 बजे का सेशन है, 5 बजे, ठीक है, एमटीपी कर रहे हैं। मेरी तरफ से जो एनालिसिस नवंबर 2021 रिवीजन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। दिस वॉज द लास्ट वीडियो, हम लोगों ने 55 आवर्स टोटल सेशन किए हैं। 55 आवर्स में हम लोगों ने 250 क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज एक तरह से देखा जाए तो मैं विदा ले रहा हूँ कि अपना सेशन एंड हो गया। ठीक है, पर कल अपन एमटीपी के लिए मिलेंगे 2 घंटे। ठीक है, सो वी एंड ऑल दीज सेशंस ओवर हियर। डीटीएल 50 हजार, और कौन सा डीटीएल 50 हजार रुपये था शुभम जी, कुछ और भी अपनी तरफ से छूटा है क्या? आपने डीटीएल 50 हजार रुपये बोला, 50 हजार कौन सा है, 20 हजार ही है ना इस पॉइंट में, इस पॉइंट में 50 हजार था। अरे अरे, 50 हजार है इस पॉइंट में, सॉरी सॉरी, आप सही बोल रहे हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं, ये 50 हजार है, मैंने 20 हजार लिख दिया, सॉरी सॉरी। नहीं सर, ओपनिंग डेट में क्यों करते हैं 17-18 से इंड एस अप्लाई कर रहे हैं, तो हम 31 मार्च 17 से एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? शिखा जी, वो एक बेस आइडिया होता है, इंड एस कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव लगता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले दिन से इंड एस लगा दीजिए वैसा, तो फिर कुछ एक्सेप्शन एंड एग्जेम्पशन दिए गए जिसके कारण एक ओपनिंग बैलेंस शीट का कंसेप्ट आया। ठीक है, अभी इग्नोर कीजिए, अभी आप लोगों का एग्जाम सामने है, उसका एक बेस आइडिया है पूरा का पूरा, जो काफ़ी लंबा चलता है उसका आइडिया। मतलब मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया कि इंड एस का कंसेप्ट ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव लगना चाहिए। अब अपन रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे, पहले दिन से लगाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं 5 बजे एमटीबी सेशन के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।